हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण इस समय मैं पढ़ा रहा हूं और हिंदी व्याकरण में ये आज आपकी जो है सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, कल आपकी अंतिम क्लास हो जाएगी और हिंदी व्याकरण जो आपसे पूछता है SSSC, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो लोग अब नए तरीके से जिन्होंने क्लासेस पूरी नहीं अटेंड की है, नोट्स नहीं मिले हैं, वो लोग अब फिर से जुड़ सकते हैं हमसे, क्योंकि नया 3 महीना आपका जो है शुरू होने जा रहा है। उसमें भी आपको सारी क्लासेस, सारी जो है वीडियो लेक्चर, सारे नोट्स मिलेंगे। तो आप नए महीने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। इस समय ऐप पर जाइए, वहां से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए, जिसमें आपको डेली बेसिस पर वीडियोज और हर एक क्लास की आपको नोट्स दी जाएगी। ठीक है, अभी भी अगर आपको सब कुछ एक साथ खरीदना हो, ठीक है, जो 3 महीने हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनकी सभी की नोट्स चाहिए, उसमें ग्रामीण विकास समाप्त है आपका, जो है हिंदी समाप्त हो चुकी है, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, इन सभी की अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है पिछले 3 महीने की क्लासेज खरीद सकते हैं, अगले 3 महीने के लिए भी रजिस्टर साथ साथ कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं ऐप पर आपको मिलेंगी, वहां पर आप किसी भी नंबर पर बात करके और जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, लगभग 10+ कोर्स हैं, जो भी कोर्स आएंगे सभी इसी के अंतर्गत चलते रहेंगे, जिसमें वीडियो निःशुल्क रहेंगी और आपको जो नोट्स है PDF है वह डेली बेसिस पर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आज इसके अंतर्गत जो मैं हिंदी व्याकरण में आपके लिए क्लास लेकर आया हूं, वह आपकी क्लास क्या है, वह क्लास आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति पर। ठीक है, तो ये भी चूंकि आपका जो है युवा जब विकास कल्याण अधिकारी हुआ था पेपर, तो उसमें शब्द शक्ति से सवाल पूछा था, तो वो जैसे ही आपका क्वेश्चन आया उसके बाद जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, बहुत सारे लोगों के लिए ये पहली बार टॉपिक रहा कि ये शब्द शक्ति क्या है आखिर। आज उसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन सारी क्लासेस को, भैया पूरा 10+ नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप खोलिए, हर एक पूरी सब्जेक्ट की आपके फुल लेंथ की वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, अच्छे से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक, ये 499 में हम 3 महीने का प्लान चलाते हैं, मतलब 3 महीने तक आपको डेली बेसिस पर हम क्लासेस देते हैं, जो सिर्फ 499 रुपए में, मतलब इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको क्लास पढ़नी है, घर बैठ के पढ़नी है, अच्छी चीजें पढ़नी है, अच्छे कंटेंट आपको पाने हैं, तो उसके लिए आप इतना नाम मात्र का शुल्क जो है दे सकते हैं। अगर आपको लोअर मेंस के कोर्स से जुड़ना है, जिसमें हर दिन आपके मतलब प्रैक्टिस सेट, फिर हर दिन आपको क्लासेज अच्छी खासी 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की क्लासेज और बहुत सारी चीजें, वीकली आपको फुल टेस्ट, तमाम चीजें, ठीक है, पर्सनल जो है मार्गदर्शन, इन सारी चीजों पर, PCS के पैटर्न पर, आधुनिक चीजें कैसे आपको तैयार किया जाए, उन सारी चीजों से जुड़ना है, तो आप हमारे लोअर मेंस के प्रोग्राम से जुड़ जाएं, जो दो तरीके के हैं। एक आपका फुल कोर्स है, जो आपका 99 का है, इसमें डेली बेसिस पर आपको टेस्ट, डेली बेसिस पर क्लासेस, डेली बेसिस पर आपको जो है वीकली फुल टेस्ट, ठीक, सभी की PDF सब कुछ मिलना है, मतलब बहुत सारी चीजें, सेक्शनल टेस्ट आपका डेली बेसिस पर है, मतलब देखो लोअर मेंस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस, जो कुछ आप जानते हैं वह सब कुछ पढ़ चुके हैं भैया, वही GS आनी है, जो कुछ हो चुका है, लेकिन अब मैथ्स और रीजनिंग और साइंस में जो बंदा बहुत अच्छे से मेहनत कर ले गया, करंट पर जो मेहनत कर ले गया, और मेहनत ऐसी नहीं कि हम भैया पढ़ रहे तो पढ़ते चले जा रहे हैं, मेहनत वो होनी चाहिए कि आप जो है एक ऐसा माहौल मिले कि आप बैट पर बैठकर हर दिन उसको लगाइए, टेस्ट दीजिए, इसीलिए हम लोग इसमें टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, 25 टेस्ट तो हम वैसे दे रहे हैं आपको, उसके बाद डेली बेसिस पर यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, सभी की सॉल्यूशन PDF मिलेगी, तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके आप लोअर में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसी का 699 का है, जिसमें आपको 25 टेस्ट दे रहे हैं, इन सभी के सॉल्यूशन PDF दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, वह सब कुछ मिलेगा, इसमें पूरा मटेरियल फुल लेंथ आपका मटेरियल होगा, शॉर्ट नोट्स अलग से होगा सभी सब्जेक्ट्स की, साथ ही साथ उसके अलावा इसमें सभी टेस्ट की सॉल्यूशन PDF होगी, इसमें भी होगी, अब इसमें सेक्शनल होगा उसका भी दिया जाएगा, क्लास की PDF दी जाएगी, मतलब बहुत कुछ इसमें मिल रहा है, जो कि आप ऑफलाइन में जाएंगे तो 8 से 10 हजार रुपए का कोर्स नॉर्मली आपका बैठेगा, वो हम 1999 रुपीज में आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे जुड़िए, एकदम आप ये मान के चलिए कि हमारी सीट कहीं ना कहीं पक्की होगी। जो लोग वैसे भी SSSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हो तो निसंदेह इसका लाभ मिलेगा, आगामी जो भी परीक्षा है उसमें इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए भैया बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, आज का टॉपिक क्या है, शब्द शक्ति। ठीक है,
शब्द शक्ति अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम वर्ड पावर। ठीक है, वर्ड पावर का मतलब क्या हुआ भैया? शब्द की शक्ति। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले इस समय देख रहे हैं भैया कोरोना का काल चल रहा है। ठीक है, अब कोरोना के काल में याद आता होगा वो गोलगप्पे, ठीक है, बढ़िया दही वाले, वो जलेबी वहां की दही के साथ, ठीक है, वो टिक्की, वो चाट, ठीक, ये सारी चीजें याद आती है ना। अब मैंने जैसे ही इन चीजों को कहा, मुंह में पानी आया, मुंह में अगर पानी आया तो ये मैंने शब्द ही तो बोले, वो चाट, वो समोसे वहां के बढ़िया, ठीक है, वो वहां का जो है लड्डू बर्फी, अब ये सब नाम आप सुन रहे हो तो मुंह में पानी आ रहा है, दिमाग में घूमा कुछ, ये क्या है? ये जो मैंने शब्द कहे वो शब्द की शक्ति है भैया, यही शब्द शक्ति होती है, समझे? मतलब हर एक पावर की क्या होती है? हर एक जो है शब्द की शक्ति होती है, और जिस जिस शब्द को हमें सुनकर हमारे मन में वैसा अर्थ उत्पन्न हो, वैसा भाव, उस शब्द के अर्थ से मन में कोई भाव पैदा हो जाए, वही शब्द शक्ति है। इसकी परिभाषा आप क्या बोलोगे कि किसी शब्द को सुनकर, ठीक, या शब्द के अर्थ से, ठीक है, मन में जैसा भाव पैदा हो, मन में जो भाव उठता है वह शब्द शक्ति कहलाता है, समझ गए? इसकी परिभाषा यह बनी। अब मैंने बोला ना कि वो जो है बढ़िया बनारसी लड्डू, ठीक है, घी वाले बढ़िया, अब आपके मन में अब सारी चीजें आप खाए हैं तो वो टेस्ट पूरा दिमाग में चलने लगता है, वही चीजें, यही शब्द शक्ति होती है। मैंने बोला कि अच्छा वहां ऑफिस में आ जाओ, तो ऑफिस का मतलब आपके दिमाग में चीज चलने लगती है, यार ऐसा माहौल है कि नहीं? स्कूल बोला गया तो आपके दिमाग में तुरंत सीन बन गई। ये शब्दों की शक्ति है जो हमें एहसास दिलाती है, हमें वह भाव लाती है कि हम उसी चीज में बैठे हैं, समझे? ये शब्द शक्ति का मेल है। अब आगे इसी पर बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने लिखा कि यहां पर शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति है। ठीक, शब्द का अर्थ जो बोध कराए वही शब्द शक्ति है। संक्षेप में इसको शक्ति बोल सकते हैं, इसको साथ ही साथ वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है शब्द शक्ति को। ठीक है, जैसे मैंने बताया मिठाई चाट का नाम सुने तो मुंह में पानी आ गया, तो वही क्या है? शब्द शक्ति है, समझे? आगे इसी में बढ़ते हैं, अपन आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, वह शब्द शक्ति आपका 3 प्रकार से होती है। शब्द के अगर शब्द शक्ति के भेद देखें, इसमें पहचानने को आया था, ठीक है, युवा विकास में उन्हीं को समझना है। इसमें वही चीज अलग अलग आपके जो आचार्य हैं उन्होंने इनको इनका जो है अलग अलग आपका परिभाषा दिया है। जैसे आचार्य मम्मट जो है इन्होंने व्यापार शब्द बोला है कि शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द व्यापार, और आचार्य विश्वनाथ ने जो है शब्द शक्ति का अर्थ जो है इसको जो है किसमें शक्ति शब्द में प्रयोग किया है, इन्होंने शब्द जो है शक्ति को शक्ति बोला है। वही चीज अगर देखें रीतकालीन आचार्य हैं चिंतामणि, इन्होंने लिखा जो सुन पड़े सो शब्द है, समझ पड़े सो अर्थ, और जो सुनाई पड़े वह शब्द, और उसे सुनकर जो समझ में आए वह अर्थ है। ठीक है, इन्होंने यह चीजें क्या बताई? यह बताया कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती वह शब्द है, और उस ध्वनि से हम जो संकेत या मतलब ग्रहण करते वह उसका अर्थ है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक, मतलब किसी चीज का भास कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला, और अर्थ हुआ बोध, यानी जिसका बोध कराया जाए, जिसका ज्ञान कराया जाए आपको, समझे? आगे बढ़ते हैं, जितने प्रकार के शब्द होंगे उतनी ही प्रकार की शक्तियां होंगी, जाहिर सी बात है, जितने प्रकार के आपके शब्द होंगे उतनी ही प्रकार की शक्ति होती है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाचक, दूसरा होता है लक्षक, और तीसरा होता है व्यंजक। ये शब्द के 3 प्रकार बनते हैं, ठीक है, पहला क्या होता है? वाचक, दूसरा होता है लक्षक, और तीसरा होता है व्यंजक। 3 होते हैं, इन्हीं के अनुरूप 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। वाचक से बनता है वाच्यार्थ, जो वाचक शब्दों से अर्थ निकले वह वाच्यार्थ, जो लक्षक शब्दों से अर्थ निकले वह लक्ष्यार्थ, और जो व्यंजक शब्द से अर्थ निकले उसको व्यंग्यार्थ बोलते हैं। इन तीनों चीजों को याद रखिएगा, ये 3 अर्थ होते, शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की शक्ति बनेंगी। 3 शक्तियां होती हैं शब्द की, पहली होती है अविधा, दूसरी होती है लक्षणा, और तीसरी होती है व्यंजना। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की बनती है, ठीक है। जैसे ध्यान दें,
शब्द यहां पर कौन से हैं, वाचक शब्द आया या जिसको अभिधेय बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ किस में जाएगा, वाच्यार्थ अर्थ होगा या फिर अभिधेयार्थ होगा या मुख्यार्थ होगा। इसकी शक्ति क्या होगी, अविधा होगी, ठीक। कौन सी शक्ति किससे, वाचक शब्द से अविधा शक्ति जुड़ी रही है। लक्षक या लाक्षणिक जो आपका शब्द होता है इसका अर्थ लक्ष्यार्थ होता है, इससे जुड़ी शब्द लक्षणा कहलाती है। और तीसरा जो भेद होता है, व्यंजक अगर शब्द है तो उसका जो अर्थ होगा वो व्यंजनार्थ या व्यंगार्थ होगा, और इसकी जो शक्ति होती है उसको व्यंजना बोलते हैं। तो शब्द शक्ति तीन प्रकार हो गए, अविधा व्यंजना लक्षणा या अविधा लक्षणा और व्यंजना। अब इसको ध्यान रखिएगा, अब एक एक करके समझते हैं हर एक चीजों को। देखिए वाच्यार्थ का मतलब क्या है, वाच्य किसी चीज को बोलना, ठीक, वाच्य का अर्थ यही हुआ। वाच्यार्थ कथित होता है, जो कुछ कहा जाए वह वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ लक्षित होता है, जिस पर केंद्रित हो। और जो व्यंगार्थ व्यंजित होता है या व्यंजित ध्वनि सूचित या प्रतीत होता है, ठीक। शब्द में अर्थ तीन प्रकार से आता है और अर्थ के जो तीन स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर शब्द की शक्तियों का नामकरण किया गया, जो मैंने आपको यहां पर बताया कि एक वाचक, दूसरा लक्षक, तीसरा व्यंजक, और इसी हिसाब से इनकी शक्तियों के नामकरण किए गए हैं। अब बढ़ते हैं एक एक चीजों को लेकर के। अविधा जो आपकी होती है शक्ति, ठीक, प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर जो शब्द शक्ति के भेद होते हैं उसमें पहली आती है अविधा। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लिटरल सेंस ऑफ अ वर्ड, ठीक। दूसरी चीज होती है लक्षणा, जिसको बोलते हैं फिगरेटिव सेंस ऑफ अ वर्ड। और तीसरी क्या होती है, व्यंजना, जिसको सजेस्टिव सेंस ऑफ अ वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में इनका अर्थ होता है, समझ गए। अब इन तीन शक्तियों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अविधा को। अविधा क्या है, ठीक, लिटरल सेंस ऑफ अ वर्ड क्या होता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतिक, ठीक, शब्द का जो है साक्षात संकेतिक, संकेतिक का अर्थ क्या, पहला, मुख्य, प्रसिद्ध, प्रचलित या पूर्व विदित अर्थ का बोध हो जाए, ठीक है। मतलब संकेतिक अर्थ का अगर हमें बोध हो रहा है कहीं पर, तो वो शक्ति क्या होगी, वह शक्ति अविधा होगी। अगर कहीं पर किसी शब्द के माध्यम से आपको संकेतिक अर्थ मिला तो वह क्या होगा, वह जो शक्ति होगी शब्द की, वह शब्द आपकी शक्ति जो है अविधा की होगी, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है कि बैल खड़ा है, ठीक। अब बैल शब्द आपने सुना तो आपके दिमाग में तुरंत बैल की इमेज गई, संकेत गया, बैल खड़ा है, सांकेतिक है ना, मतलब बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम तुरंत समझ गए, ठीक। उसे हम ये नहीं समझे कि आदमी खड़ा है या किताब जो है वहां पर रखी है, हमने समझा कि बैल खड़ा है, तो बैल में बैल ही समझे, ठीक। ये क्या है, ये संकेतिक है और यह अविधा आपकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो बैल है यह वाचक शब्द बना, जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। अर्थ क्या है, बैल का अर्थ क्या है, एक जीव तो है। और परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित है, मतलब पहले से हमें मालूम है कि भैया बैल क्या होता है, ठीक, एक जीव होता है। यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा यहां पर आपको नहीं मिलती है। अविधा का अर्थ, दूसरा अर्थ अगर आप समझे तो इसका अर्थ होता है नाम। बैल किसी जीव का नाम रहा, ठीक, नाम। यानी दूसरे शब्दों में जहां नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति हो वह शक्ति आपकी अविधा कहलाएगी। जो किसी के नाम को बताए, नाम संकेत ही तो देती है, मेरा नाम रमन है, ठीक, आप रमन बोलोगे तो मुझे संकेत हुआ ना कि आप मुझे बुला रहे हैं। तो नाम जाति गुण द्रव्य या क्रिया का होता और ये सभी साक्षात संकेतिक होते हैं। भैया नाम किसी की जाति का होगा, गुण का होगा, द्रव्य का होगा, क्रिया का होगा, इन सभी का नाम होगा और ये सभी संकेत देंगे। मैंने बताया ना, ठीक, मेरा नाम आप लेंगे तो मैं ही तो समझूंगा संकेत तो हुआ वो। आगे बढ़ते हैं, अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको शब्द की प्रथमा शक्ति बोलते हैं। उदाहरण जैसे लिखा है, निराला की एक पंक्ति लिखी है कि वह तोड़ती पत्थर। कविता के आरंभ की ये पंक्तियां क्या हैं, अविधा के प्रयोग का उदाहरण दर्शाती हैं, क्योंकि लिखा है वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर।
ये कहानी कविता आपने पढ़ी होगी, ठीक। अब इन पंक्तियों में कवि शब्दों से सीधे सीधे जो अर्थ प्रकट करता वही अर्थ कविता का है, ठीक। कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को किस पर देखा? इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के रास्ते पर देखा, और यह चीजें किसकी? अविदा की, आपकी सांकेतिक उदाहरण बनती है, ठीक है। इसमें जो शक्ति होगी वह अविदा की होगी। आगे बढ़ते हैं। इस शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों का बोध होता है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक भैया। जहां शब्द आएगा, सांकेतिक शब्द होगा, वह तीन प्रकार से। एक तो आपने पढ़ा है रूढ़ शब्द, ठीक, जो मैंने इसे पहले पढ़ाया है। दूसरा आपने पढ़ा है यौगिक शब्द, और तीसरा आपने पढ़ा है योग रूढ़। इन तीन प्रकार के शब्दों को आपने पढ़ रखा है, तो अविधा से तीन प्रकार के शब्दों का हमें एहसास होता है, पता चलता है, समझ गए। ये अविधा की परिभाषा रही, उदाहरण रहे, इनका प्रयोग कैसे होता है वह रहा, वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, इन सारी चीजों को आप समझ गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। महत्व वगैरह आपसे उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, इनके प्रकार में मैंने बता दिया, ठीक है। रूढ़ शब्द जो होते हैं, ठीक, रूढ़ शब्द मतलब ये जातिवाचक शब्द होते हैं। अविधा की उसमें हमने मतलब पढ़ा ना कि जो नाम होंगे वो जाति के होंगे, क्रिया के होंगे, इन सब के नाम होते हैं। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं ये जातिवाचक शब्द होते हैं, जैसे घोड़ा, मनुष्य आदि। यौगिक जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का अर्थ बोध अव्ययों यानी प्रकृति और प्रत्ययों के शक्ति के द्वारा होता, जैसे दिवाकर, सुधांशु, ये सब यौगिक है, दो को मिलकर बन रहे। अगली चीज है योगरूढ़, इनका अर्थ बोध जो होता है या समुदाय और अव्यय की शक्ति से होता। ये शब्द योगिक होते हुए भी रूढ़ होते, इसीलिए इनको योगरूढ़ कहते हैं, जैसे जलज, वारिज, ठीक। इनमें हर एक चीजें क्या है, ये योगिक है फिर भी रूढ़ के तरीके से व्यवहार करते, इसीलिए ये तीन इनके भेद बनते हैं अविधा के। इसके भेद नहीं है, सिर्फ शब्द शक्ति के हैं। अब दूसरा हम भेद पढ़ते हैं, लक्षणा क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं फिगरेटिव जो है सेंस ऑफ अ वर्ड, इसको समझिए। देखिए, अविधा के असमर्थ होने जाने पर, जहां पर अविधा से आपको यह पता ना चले वाक्य में कि यह वाक्य किस चीज को संकेत दे रहा, तो जहां अविधा काम नहीं करेगी उसके बाद जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध होगा उसे लक्षणा कहते हैं, ठीक है। अविधा काम ना करे, ना तो आपको नाम कोई नहीं मिल रहा, वहां संकेत कोई नहीं दर्शाया जा रहा, तो वहां पर अगली जो चीज बढ़ेगी वह लक्षणा होगी, जो शक्ति आगे आएगी। इसके लिए शर्त क्या क्या है? इसके लिए शर्त यह है कि आपको तीन शर्तें जब मिले तभी आप लक्षणा की ओर बढ़ोगे। कौन सी? पहली शर्त यह है कि मुख्य अर्थ या जो अभिधेय अर्थ है यह लागू ना हो। अगर वाक्य में मुख्य अर्थ लागू नहीं होता, ठीक, जैसे हमने पढ़ा था बैल खड़ा है, तो बैल एक जीव है, मुख्य अर्थ वो हो गया था कि ये एक जीव है, ठीक। और वह जो बाधित हो, असंगित अगर मिल रहा, मुख्य अर्थ आपको बाधा, मुख्य अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो रही, पहली शर्त ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध होने चाहिए। जब मुख्य अर्थ बाधित हो पर या दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित हो तब हम लक्षणा बोल सकते। तीसरी कंडीशन है रूढ़ या प्रयोजन होना चाहिए, यानी मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ हो या कोई प्रयोजन हो, यानी उद्देश्य हो। तो हमारा उद्देश्य है कि हम शब्द शक्ति को पहचान लें। देखिए, रूढ़ का अर्थ होता प्रयोग, प्रवाह, प्रसिद्धि, जैसा भी बोलना चाहे। अब मुझे यहां पर एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन चीजों को समझिए आगे, ठीक। ये प्रयोजन और उनका है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके उदाहरण को समझिए, ठीक। जैसे जितने भी आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियां ये लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जितने मुहावरे और आपकी लोकोक्तियां होंगी इनमें सब में शब्द शक्ति आपकी लक्षणा की होती है, ठीक। जैसे उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अब इस वाक्य में क्या है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा है, इससे हमें शब्दों का मुख्यार्थ अभीष्ट नहीं है, ठीक। यहां अब आप शब्दों का मुख्य अर्थ लेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, चुल्लू भर पानी में कौन डूब पाएगा, ठीक। यहां सिर्फ बोला गया, मतलब हम मुख्य अर्थ नहीं लेंगे, यहां सिर्फ लक्षण लेंगे, लाक्षणिक लेंगे, यहां प्रयोजन की दृष्टि से लेंगे। तो जहां ऐसे अर्थ मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, वहां समझ जाना कि यह लक्षणा शक्ति है, समझ गए, ठीक। दूसरी ओर जैसे बड़ी लज्जा की बात है, ठीक। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना का दूसरा अर्थ हम यहां लेंगे ना,
तो जो आपको बोला गया कोई ऐसा आपने कृत्य कर दिया जिसमें आपको बोल दिया किसी ने अरे चिल्लू भर पानी में डूब मरो, अब वो आपके लिए क्या है? वो ये नहीं है कि सही चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, वो लज्जा के लिए आपको बोला कि तुमको लाज नहीं आती ऐसा काम करते हुए, ठीक। तो उसकी जगह पर हम मुहावरा प्रयोग करते हैं। अगला है, देखिए, रामचरण की जगह उसके भतीजे पिंटू के घर के मालिक होने पर उसके पड़ोसी ने क्या बोला, हंसा थे सो उड़ गए कागा भये दीवान। ठीक है, पड़ोसी आपके सुनाते नहीं है, तो जब रामचरण की जगह उसका भतीजा पिंटू जो है घर का मालिक बन गया, ठीक, तो उसका पड़ोसी बोला कि हंसा थे सो उड़ गए और कागा भये दीवान, इस वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का ये लोकोक्ति है भैया, यहां मुख्य अर्थ नहीं लेंगे कि उस घर में हंस रहते थे, हंस उड़ गए, कौवे आ गए, अरे रहे तो मनुष्य ही रहे हैं। यहां सिर्फ क्या बोला गया, इसका अर्थ हम दूसरा लेंगे, मतलब कि उस घर में सज्जन योग्य या गुणवान व्यक्ति के स्थान पर दुर्जन अयोग्य या गुणहीन व्यक्ति क्या कर लिया, वह स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है, हंस की जगह पर कौवा बैठ गया। तो इसलिए ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है, जहां ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सी शक्ति है, वहां समझ जाना ये लक्षणा है, यहां मुख्य अर्थ नहीं लेंगे, ठीक है, कि उस घर में बगुले और कौवे रहते, बगुले और हंस रहते थे, यहां पर सज्जन और वो ऐसे। अगला है पंक्तिबद्ध, अगर उदाहरण आपको मिल रहे, मुहावरा मिल रहा, लोकोक्ति मिल रहा, तो वो होगी, अगर आपको कहीं पंक्तिबद्ध उदाहरण मिल गया तब भी समझ जाना वो लक्षणा है। जैसे देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, ठीक। अब यहां पर देखिए जो वाक्य लिखा है यह उदाहरण बोल रहा है ना कि देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, नैनों से आंखों से कौन भैया मार खाता है, कोई आंखों से मार सकता है नहीं ना, ठीक। तो यहां पर जो सिर्फ उदाहरण दे रहा है, दृष्टि मार नहीं खाती, प्राणी मार खाता है, ठीक है, दृष्टि नहीं रोती, प्राणी रोता है, इस चीज को समझिए। तो इसलिए दृष्टि जो मार खा रोई नहीं, इस कथन का अभिधेय अर्थ या मुख्य अर्थ लागू नहीं होगा भैया, ठीक, हम समझ गए। यहां पर जो है मुख्य अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न हो रही, इसलिए हम किधर जाएंगे, दूसरे अर्थ की ओर जाएंगे, और दूसरा अर्थ जो होगा वह लक्षणा होगा, समझ गए। अब हमें लगता है कि ये सारी चीजें आपकी कंफर्म हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लक्षणा के भेद आपसे बहुत बार नहीं पूछेगा, वैसे दो भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती, जो मैंने दोनों चीजें बताई हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आपसे कहीं नहीं पूछने जा रहा है। तीसरा इसका भेद पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने सारी चीजें दे दी हैं कौन सा कहां पर है, ठीक, वो उदाहरण में मैंने आपको सब कुछ लिख दिया है। आगे तीसरा इसका पढ़ते हैं, व्यंजना जो होती है, तीसरा प्रकार सजेस्टिव सेंस ऑफ अ वर्ड, इसको समझ लीजिए ये क्या होती है, ठीक, व्यंजना शक्ति क्या होती है। देखो जब अभिधा व लक्षणा भैया दोनों काम ना करें, फिर जो शक्ति आए, शब्द का अर्थ एहसास दिलाए, वह शब्द शक्ति आपकी लक्षण जो है व्यंजना होती है। जैसे दूसरे शब्द में इसको परिभाषित करें, यानी शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ, ठीक, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो, उसे व्यंजना कहते हैं, इसकी परिभाषा यह होगी, ठीक है, इसकी परिभाषा दूसरे शब्दों में यह बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उदाहरणों को समझते हैं, तभी कुछ और कंफर्म होगा। जैसे एक शब्द यहां लिखा है अंजन, अंजन शब्द में बी जोड़ दो तो क्या बनता है, व्यंजन बनता है, ठीक, संधि विच्छेद तो मैंने पढ़ाया है, पढ़ा भी होगा, बी धन अंजन किया जाएगा तो इसमें बी उपसर्ग लगाने से व्यंजन बनेगा, अर्थात व्यंजन का अर्थ क्या हुआ कि विशेष प्रकार का व्यंजन, ठीक, बी धन जो है अंजन है ना, ऐसे आंख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष दूर कर उसे निर्मल बनाता, अंजन का अर्थ क्या होता है, काजल तो जानते ही है, ठीक, तो जिस प्रकार आंख में लगा हुआ अंजन दृष्टि दोष दूर कर उसे निर्मल बनाता, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ते हुए उसके मूल में छिपे आकथित अर्थ को प्रकाशित करती, समझे, इसीलिए इसका नाम विशेष है क्या, व्यंजना, समझ गए। अभिधा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग हो जाएं, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंगार्थ का बोध हो उसे व्यंजना शक्ति कहते। व्यंगार्थ के लिए ध्वनार्थ, ध्वन्यार्थ और सूच्यार्थ, अपेक्षार्थ और प्रतीयमानार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब आप उदाहरण की ओर हम आप बढ़ते हैं तो और चीजें आपकी कंफर्म हो जाएं। देखिए उदाहरण में पहला एक उदाहरण अगर आपको कहीं प्रसिद्ध उदाहरण मिल रहा है, सूर्य अस्त हो गया। अब ये जैसे आपने सुना वाक्य को सुना, इसके उपरांत व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है, ठीक है। अब भिन्न भिन्न बोला, अरे सूर्य अस्त हो गया भाई, त्रिवेदी जी चले गए। अब मतलब क्या हो गया, यहां तो बहुत सारे अर्थ हो गए, एक तो ये दिन रात वाला और बहुत सारी चीजें, ठीक है। मेरे सुख के सूर्य अस्त हो गए, दुख के सूर्य अस्त हो गए, ये सारी चीजें जो है इसमें भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करेंगे, यानी प्रसंग विशेष के अनुसार इस वाक्य के अनंत व्यंजन जो है व्यंजनार्थ हो सकते। जैसा प्रसंग है वहां पर यह वाक्य बोला गया तो उस अनुसार इसके अनेक अर्थ ले लो, जहां जैसा आपका स्थिति परिस्थित होगी वहां पर उस अनुसार इसके अर्थ होते हैं, ठीक। तो समझ गए लक्षणा क्या होती है, लक्षणा में वो मतलब व्यंजना। इसमें देखिए वाक्य बोला गया सूर्य अस्त हो गया, ठीक। अब इसमें प्रसंग विशेष है, वक्ता श्रोता है, पिता के पुत्र से कहने पर, ठीक। यहां पर क्या अस्त होगा, अगर पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा सूर्य अस्त हो गया तो बच्चा पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा, इसका अर्थ यह हुआ, ठीक। अगर जो है पिताजी ने बच्चे से कहा है कि बेटा सूर्य अस्त हो गया तो अब आप तुम क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई शुरू करोगे। दूसरी चीज समझो, अगर सूर्य अस्त हो गया, सास ने बहू से कहा है कि सूर्य अस्त हो गया, तो बहू क्या समझेगी, अब चूल्हा चौका करना है। यहां पर शब्द की शक्ति बदल गई, बहू समझेगी कि सूर्य अस्त हो गया तो अब चूल्हा चौका किया जाए, रात्रि के भोजन का निर्माण किया जाए। वही वाक्य लिखा है लेकिन इस जैसी परिस्थिति आ रही उसी अनुसार इस वाक्य के अर्थ आपके अलग अलग हो रहे हैं। तीसरा प्रसंग विशेष क्या है, किसान ने कहा हलवाए से कहा, ठीक। किसान के हलवाए से कहने पर किसान ने हलवाए से कहा कि भैया सूर्य अस्त हो गया तो अब वो हलवाहा है जो हल चला रहा है वो हल चलाना बंद कर देगा कि भैया शाम हो गई अब घर चलते हैं। वही वाक्य है लेकिन यहां पर सबके अर्थ अलग अलग निकल रहे। अगर पशुपालक ने चरवाहे से कहा कि अब जो है सूर्य अस्त हो गया तो वो पशुओं को घर लेकर चल देगा, वही वाक्य है। बस जैसे जैसे इसके प्रसंग होते हैं उस अनुसार इनके हमेशा क्या होते हैं, अर्थ बदलते रहते, और यह अर्थ आपकी व्यंजना कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुजारी ने अगर चेले से बोला कि बेटा सूर्य अस्त हो गया तो संध्या पूजन का प्रबंध चेला शुरू कर देगा, जी गुरुजी ला रहे, ठीक। तो ऐसे है, अगर राहगीर अपने साथी से बोल दिया कि सूर्य अस्त हो गया तो साथी क्या करेगा, कहीं देखेगा कहीं रुकने का जुगाड़ किया जाए अब गुरुदेव, ठीक। यही चीजें तो है, ऐसे सारी चीजें इसमें होती हैं, यानी जहां पर प्रसंग विशेष के अनुसार किसी वाक्य के किसी उदाहरण के अर्थ बदल जाएं वहां पर जो शक्ति होती है वह व्यंजना होती है, ठीक है। तो जितनी चीजें आपसे पूछ रही हैं, जितना चीजें आपसे परीक्षा में पूछता है, तीन भेद पूछता है, पहचानने को लेकर पूछता, मैंने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर दी। इनके भेद वगैरह से सवाल नहीं पूछता है भैया, वो बड़ी चीजें हो गई, वो साहित्य में जाओगे व्याकरण में जाओगे, विशेष रूप से जब आप क्लास में पढ़ोगे तब उसके अंतर्गत आएंगी। यहां जो तीन आपसे पूछता है उसके बारे में मैंने परिचर्चा कर दी है, बाकी इससे संबंधित जितनी चीजें हैं, ठीक। और कुछ आपको पढ़ना है तो मैंने नोट्स में सब कुछ दे रखा है कि अगर आपको लगता है और कुछ चीजें जाननी चाहिए, वैसे जितना कुछ पूछता उतना चीजें मैंने आपको बता दी है। तो इसके बाद आपका कल हिंदी साहित्य के बारे में मैंने आपसे बात कर लूंगा तो हिंदी पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसकी पूरी नोट्स आपको संडे तक व्यवस्था हो जाएगी ताकि आप प्रिंट निकाल के पढ़ सके। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेक्चर्स जो समझ में आते हैं जिन लोगों का कवर होगा उन लोगों को सूचना दी जाएगी कि भैया 3 महीने पूरे हो रहे हैं, जो लोग नए जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग नए जुड़ सकते हैं। आगे भी आपके जो जैसे ऐसा नहीं हिंदी खत्म तो खत्म, आगे फिर से मैं शुरुआत करूंगा, पूरी चीजें फिर से सारी चीजें चलेंगी, तो ऐसे मस्त होकर पढ़ते रहिए, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।